सुबह का चाय नाश्ता हो गया है और आप देख सकते हैं कि हम लोग हैं एक सफ़र पे निकल गए हैं और बीच रास्ते में गाड़ी में एक बैठे हुए हैं, ये मेरा भांजा और मेरे हस्बैंड जो हैं वो गाड़ी चला रहे हैं। आगे ही मेरा बेटा भी बैठा हुआ है और वो भी मेरा रिश्ते में भांजा ही लगता है, तो भांजा मतलब बेटे बराबर ही है, तो साथ में मेरा बेटा भी है, तो कुल मिला के हम 4-5 लोग हैं जो हम जा रहे हैं। और ये देखिए ये मैं हूँ, तो हम जा रहे हैं अपनी ननंद के घर, क्योंकि कुछ ही दिनों में यानी कि आज है 13 फेब और 16 फेब को जो है मेरी भांजी की शादी है, तो हम जा रहे हैं शादी में तैयारियां करने और रिश्तेदार हैं हम, तो बस अब वहीं पे जो है अब कुछ दिन रहेंगे और आपके साथ वीडियो अपलोड करते रहेंगे। कोशिश करूंगी, अगर ना कर पाऊँ तो मैं आप लोगों को बाद में करूँगी, जैसा कि मैं अब मैं कर रही हूँ। ये है वो लड़की जो जिसकी शादी है, ये है छोटी वाली भांजी जो मेरे बेटे के साथ खड़ी है, इसकी कोई शादी नहीं है, बहुत छोटी है अभी, यानी 19-20 के आसपास होगी, और वो वाइट स्टॉल में मेरी ननंद है। ये बाहर हम जो है गेट टुगेदर कर रहे हैं, यानी कि मैं ननंद के घर पहुंच चुकी हूँ, तो मेरा बेटा थोड़ा खा पी रहा है, मस्त कर रहा है। ये है वो लड़की जिसकी शादी है, यानी कि मेरी बीच वाली भांजी है, मेरी 3 भांजियों में से एक। तो ये घर है मेरी ननंद का, और आज है फंक्शन, इस रस्म का कुछ नाम है, देव मतलब मुझे ठीक से मालूम नहीं है, आई एम सॉरी, बट मैं आपको कुछ आदमी बहुत सारी रस्में होती हैं, मैं याद नहीं आ रही मुझे इस रस्म को क्या कहते हैं, लेकिन इस रस्म में जो है गेहूं धान जो है वो हमारे में धान पीसा जाता है ओखली में, इसमें जो है भाभियाँ होती हैं वो इस धान को पीसती हैं, यानी इस रस्म से शादी की शुरुआत स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए गेस्ट आ गए हैं, तो मैं उन लोगों के पैर छू रही हूँ, और क्योंकि सब मैं सबसे छोटी हूँ इसलिए मुझे ये करना पड़ता है और बनता भी है, इसलिए मैं सबके पैर छू कर, और बस ये सब लोग तैयारी कर रहे हैं। धान पीटने से पहले हम लोग संगीत करेंगे, भगवान का नाम लेंगे और थोड़ा सा गीत गाएंगे, तो बस वही उसी की तैयारी चल रही है, और उसके बाद जब ये गीत वगैरह हो जाएगा तो उसके बाद हम जो है ओखली में पांच बार जो है गेहूं डालते हैं, गेहूं ले सकते हैं, धान ले सकते हैं और ज्वार भी ले सकते हैं, जो भी है वो डालते हैं 5 बार, और 5 बार हम उसे उखल से पीटते हैं, यानी इसे कुछ त्यौहार शादी के पहली रस्म ये मानी जाती है। तो ये होने के बाद जो है हमारे यहाँ हल्दी लगती है, ये ज़रूरी है, उसके बाद जो है हल्दी लगेगी, और जो भाभियाँ उखल कोटती हैं, मामियाँ उखल कोटती हैं, उनके हाथों में एक कलावा बांधा जाता है, यानी कि रस्म के थ्रू। तो ये हैं, थोड़ी खुश हो रही हैं कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, मैं इन वीडियोस में आपको थोड़ी कम मिलूंगी क्योंकि मैं खुद से ये काम कर रही हूँ, तो थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो ये देखिए प्लेट में हमने धान ले लिया है, धान नहीं हमने गेहूँ लिया है, और ये देखिए उखल ले लिया, और इसे दो लोग एक एक बारी करके जो है पीटते हैं, तो बस ऐसे ही चलता है। तो ये हमारा आज का पहला फंक्शन था, मैं घर पे पहुंच गई हूँ ननंद के, धीरे धीरे आपके साथ सारी वीडियो रिकॉर्ड और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और मेरा जो है संगीत स्टार्ट हो गया है, तो आई होप आपको जो है हमारी वीडियोस में मज़ा आने वाला है, संगीत शुरू हो गया है, और इसके बाद फिर कुछ जो संगीत हो जाएगा तो उसके बाद देव बिठाने या फिर देव बुलाने कुछ ऐसे करके हम जो है किया जाता है। तो चलिए हमारा सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ।